आज इस वक्त खबर तहकीकात की टीम वेब सुगर मिल में पहुंच चुकी है जो बुलंदशहर में चांदपुर रोड पर स्थित है। आज हम यहां किसानों से भी बातचीत करेंगे कि किसानों के लिए जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान वादे भर रही थी कि हम किसानों के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसानों से हकीकत जानेंगे। किसानों पर जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर आप देखिए, हरियाणा में आप देखिए, या अदरवाइज़ किसी भी आप सिटी में देखिए, किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। फिलहाल आज यहाँ पर काफ़ी सारे किसान मौजूद हैं जो गन्ना लेकर अपना यहाँ पर आए हैं और तोल के इंतज़ार में बैठे हुए, क्योंकि बारी बारी करके एक एक ट्रैक्टर ट्रॉली आप दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा तस्वीरों में, कि ये ट्रैक्टर जो लोड हुए खड़े हुए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना है और मिल के अंदर तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे गन्ने मौजूद होते हैं। दूसरी साइड में थोड़ा सा दिखाने की आप कोशिश करें कि यहाँ पर पूरी पूरी रात भी इन्हें खड़ा रहना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यहाँ दोपहर 2 बजे से एक भैया आए हुए थे और अब रात का समय हो चुका है, भूखे प्यासे यहाँ पर पड़े हुए हैं, खाने की दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई होटल यहाँ पर नहीं है। वहीं रैन बसेरे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ रैन बसेरा आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि इस रैन बसेरे में बल्ब तक लगा हुआ नहीं है, उजाले का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रजाई बिस्तरा नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ अंदर, वहाँ जाके भी इनसे अभी बातचीत करते हैं। तो आप दोपहर 2 बजे आए थे? जी सर। कोई खाने पीने का व्यवस्था कोई नहीं, कोई होटल आसपास होगा? नहीं है। कुछ खाया आपने? नहीं। भूखे प्यासे पड़े हुए? तो कोई नंबर आने की उम्मीद है अभी? नहीं। 6 घंटे से मिल खराब था, फिर दोबारा खराब हो गया, कोई पता नहीं 6 घंटे में हो गया। 12:15 बजे जी बाबू, 12:15 बजे का आए हुए? आप भी गन्ना लाए हैं? गन्ना लेकर आए हैं, और कोई यहाँ पूछने करने वाला है ही ना। अब जो कहते हैं कि अभी चलेगी। चलिए वो बात तो ठीक है, यहाँ पर जैसे रात को आप अब रुके हुए हैं, रात को रुके हुए, कब तक रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है बाबूजी। आप बताएं थोड़ा, कब से गन्ना लाते हैं आप यहाँ? बाबूजी हम तो हमारी इतनी उम्र है 70 साल की, गन्ना ही लामे हम तो, और हमें तो याद का परेशानी है ना, कोई रेल बस है या हमें क्या आदमी आंगे बोलो, या 3 घर है पीछे क्या आदमी आंगे ना, कोई कैंटीन है। अच्छा, रेन बसेरे के अंदर जैसे रेन बसेरा बता रहे हैं, इसमें कोई ओढ़ने बिछाने के लिए या कोई चारपाई वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, लेटरिन बाथरूम भी साफ नहीं है इनके, उसमें भी गंदगी फैली हुई है, देखो आप चल कर। खुले में जाना पड़ता है? हाँ, खुले में कहीं भी जाना पड़ता है, वो मर्जी आप। तो सारी रात मतलब ऐसे घूम फिर के गुजारते? हाँ, गुजारते हैं जी, घूम के ही गुजार रहे हैं पूरी रात, घूम घूम के, कुछ नहीं। चलिए यहाँ का रैन बसेरा दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत और उम्दा बना हुआ है, उस नज़ारे को भी हम आपको दिखाएंगे। जी बाबू जी, आप फ्री में गन्ना लेकर? हमें फ्री में ले रहे हैं, ये अभी पिछले साल की पेमेंट ना, फ्री में गन्ना ना लिए जा रहे हो इन पे, पिछले साल तक की पेमेंट ना आ जी। अभी किसान भिखारी बना रखे हो, इन्हें कटोरा दे रखे हो, अब फ्री में भी गन्ना ना लिया जा रहा है इन पे। यानी एक साल पहले से पेमेंट? पिछले साल का पेमेंट नहीं है जी अभी तक। एक साल पहले का पेमेंट नहीं है। अब यहाँ सुबह से कब से आए हैं आप? सवेरे से 12:11 हम तो आए थे, देखो 5 बजे, वैसे 12 बजे तक आए हुए हैं। कोई नहीं, 5 बजे आए थे हम, 5 बजे आए। तो आपका अभी कोई तुलने की उम्मीद है? अरे तुलने की तो कोई उम्मीद ना, देखो अब हमारा क्या, फैक्ट्री अभी बंद कर, हम तो यूँ कह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हमारे पैसा न देते रहो, 2-4 घंटा हमें फालतू रख लो यहाँ, रात भर राखो किसान, सवेरे को पैसा दे के भेजो, कोई टेंशन नहीं है, पिछले साल की पेमेंट ना अभी, फ्री में गन्ना ना ले जा रहे हो इन पे। एक एक साल तक का यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कि पेमेंट रुका हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये गन्ना अपना तोल कर चले जाते हैं, उम्मीद लगी रहती है। थोड़े हम ही कह रहे हैं अकेले, पूरी एक साल पिछले साल की अभी पेमेंट ना आ जी। हाँ, आपको मिला पेमेंट भैया? नहीं नहीं, पिछले साल तक भी ना मिला। आपका भी नहीं मिला? आपका भी अभी नहीं मिला? नहीं। चलिए, तो पेमेंट की बात रही, अब ये बताइए यहाँ जैसे रैन बसेरा थोड़ा इसे दिखवा दीजिए बाबू जी, कौन सा रैन बसेरा? आइए रैन बसेरे की तरफ लेके चलते हैं। ये रैन बसेरे के पास हम लोग जा रहे हैं, सब किसान भाई हैं, ये किसान भाई है, ये उजाला, हाँ यहाँ पर देखिए आप, देखिए ये सांप कीड़ा भी हो, थोड़ा अंदर चलते हैं दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उजाला करने की कोशिश करें भैया, आपने टॉर्च जला दीजिए थोड़ा सा। ये रैन बसेरा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पराली है, ये पराली पर किसान सोएगा, इसी को ओढ़ेगा, इसी को बिछाएगा, इसी पर जो है आधे पे तो बिछा लेगा, आधे को ओढ़ लेगा, ये इनका बिस्तरा है। अब यहाँ पर जैसे जंगल है चारों तरफ, आके इन्हें सांप काट ले या आगे कोई दिक्कत हो जाए। सांप निकला है जी? सांप निकला जी, इसकी कोई यहाँ सफाई ना, कैसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे,
परेशान है हम किसान लोग सारे। रात को ठंड लगती होगी? कोई व्यवस्था नहीं जी। अच्छा बताइए रात को ठंड लगती कैसे? ठंड का मौसम ठंडी लगेगी। कैसे गुजारते हैं रात भाई साहब? आप इधर उधर घूम के रात गुजारते हैं? वैसे ही सारे रात, मतलब सारी रात वैसे ही घूमते हैं। पहुँच जाओ चारों लोग। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि यहाँ उजाला जो हम कर रहे हैं, हम आपको अपनी भी लाइट जलाकर नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो गुप अंधेरा है, एक बल्ब का इंतजाम भी यहाँ पर पूरे रैन बसेरे में नहीं है। यहाँ गुप अंधेरा है बिल्कुल। जिस रैन बसेरे की हम बात कर रहे हैं, सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है लोगों की सुविधा के लिए, मगर किसानों के लिए यहाँ पर रात को रुकने का बिल्कुल भी इंतज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि जो किसान हैं अपना यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि गन्ना लेकर जैसे आए हुए हैं, ये सब किसान हैं। देखिए ये देख सकते हैं, ये सारी रात जैसे कि मिल खराब हो जाता है। ये पैर रखेंगे ऊपर कोई आवे, या कोई पानी छिड़कने वाला भी नहीं है। ये डस्ट जो है ऊपर ही आवे, कोई टैंकर की भी सुविधा नहीं है। और इसी में सोना पड़े, इसी में घूमते फिरते, इसी में यही हालत हो रही है यहाँ। अरे इनकी लैट्रिन लैट्रिन और देख लो इनकी, जरा एक मिनट लगेगी। हाँ शौचालय पर चलते हैं, चलिए यहाँ पर शौचालय के पास भी चलते हैं, लेकर आपको दिखाते हैं कैसा नजारा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से, वहीं दूसरी जगह इस वक्त हम आए हैं, ये भी यहाँ मिल के अंदर ही एक रैन बसेरा है, बहुत ही अच्छा टीन टप्पड़ इस पर पड़ा हुआ देख सकते हैं। ऊपर छत नहीं है, बारिश आ गई, माहौट का जैसे महीना आने वाला है, बरसात का महीना आने वाला है, ठंड में ही बरसात का महीना आता है, और किसान यहाँ बराबर आएगा उस टाइम पे भी, तो ये टीन यहाँ पर डाल दिए इन्होंने और रैन बसेरा बना दिया। देखो एक किसान लेटा हुआ है, किसान को दिखाएं, एक किसान भाई लेटा हुआ भी है, आराम फरमा रहा है। देखो किसान भाई वहाँ पे मौजूद हैं, मोबाइल में अपने बेचारे देख रहे हैं भैया ने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया थोड़ा चुप रहिएगा भैया। भैया कहाँ से हो आप? नवादा गाँव। मेरा है जी नवादा गाँव। नवादा गाँव से? हाँ। गन्ना लाए हैं? तो कब आए थे? ऐसा है एक बजे करीब। एक बजे दोपहर खाना वाना खा लिया? हाँ रोटी तो खा ली। रोटी खा ली जैसे। अच्छा ये बताइए थोड़ा सा कि कब तक नंबर आ सकता है आपका? ये दो बजे करीब से बजेंगे। नहीं सही सही बताइए कब तक? दो एक बजे के बाद ही बात करते हैं। रात को? हाँ तो एक बजे अभी चली ना फैक्ट्री। हाँ। एक बजे को तो सारी रात ऐसे ही गुजारेंगे जैसे लेटे हो? हाँ ऐसी। कोई और ओढ़ने बिछाने का सिस्टम है ना? यू है बस उसका सिर पर जो बंदो। नहीं पराली आपने ओढ़ी हुई है ना? हाँ। ये तो अच्छी बात है, पराली बिछाई पराली ओढ़ ली। हाँ। मैंने ये भी दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि पराली ओढ़ है और पराली बिछाए। यहाँ ना कोई बिस्तर है ना कोई यहाँ पर चारपाई है। अब किसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी यही है, आप देख रहे हैं जब चुनावी माहौल होता है तो उस दौरान बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता आते हैं और उस दौरान कहते हैं कि हम किसानों के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के किसान से वोट मांगते हैं। बाबूजी मांगी थी वोट? जी मांगे। कहा था जी मांगे जी? तो वोट हमें दो, हमारा तुम्हारा मिल चलवाएंगे, तुम्हारा यू करवाएंगे, हमारा तो कुछ करवाएगी ना। 1920 के भाव गेहूँ बिकवाएंगे, 1600 बिक रहा हूँ। 1600 बिक रहा है? 1600 बिक रहा हूँ। तो कोई फायदा किसी भी पार्टी ने किया अभी तक? ना ना 1500 भाई योगी जी ने यू फायदा करो, ये मिल चलवा दिया उधार 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 चलवाया हो सब नगद रहा है। अच्छा उधार चल रहा है? हाँ पेमेंट नहीं ना जी ना, ब्याज पर रुपया ले लेके लगवा रही है। ब्याज पे पैसे लगाकर अपनी फसल को उगाते हैं उसके बाद लेकर आते हैं। अक्सर सबसे बड़ी बात दिक्कत यही होती है कि जो किसान है आत्महत्या करने पर मजबूर, इसीलिए ज़्यादातर होता है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? की व्यवस्था है दूर तक भी भैया दूर तक भी नल नहीं है। ये पानी पीने के लिए या हाथ धोने के लिए या जो है शौचालय के लिए व्यवस्था जो भी है यहाँ पर, ये गंदगी आप देख सकते हैं, ये शौचालय देख सकते हैं कि ये भैया थोड़ा संभल के हैं, गार बहुत कीचड़ हो रही है। ये है शौचालय, थोड़ा उजाला कर दें, ये शौचालय गंदगी है बेहद। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं थोड़ा इसको यहाँ पर दिखाइए थोड़ा टॉर्च कर दीजिए, ये गंदगी का यहाँ पर, चलिए बस हटा दीजिए, कोई बात नहीं ज़्यादा मत दिखाइए इसको।
गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसान भाई हैं यहाँ पर शौचालय उनको यूज़ करने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ गंदगी बेहद है, तो जो है ये ज़्यादातर खुले में जाने को यहाँ पर मजबूर होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि रात भर किसानों को यहाँ पर घूम फिर के रात गुजारनी होती है। अगर यहाँ पर रैन बसेरे का इनके लिए इंतज़ाम हो जाए तो कम से कम यहाँ जैसे दोपहर से लेकर रात तक ही घूमते फिरते रहते हैं तो रैन बसेरे में आराम भी कर सकते हैं। किसान सारे दिन काम करता है, सारी रात काम करता है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में बेहद परेशान होता है। सबसे बड़ी टेंशन उसको होती है कि सब मेरा नंबर आए और यहाँ पर मैं उसको तोल करा दूँ, अपने गन्ना को तोल करा के चला जाता है। फिर इंतज़ार करता है कि कब मेरा इसका जो मेरी खून पैसे की कमाई है, जो कर्जा लेकर मैंने जो है ये फसल पैदा की है गन्ने की, इसका पैसा मुझे कब मिलेगा। इतनी परेशानियां हैं किसान को, किसान की किसी परेशानी को कोई सरकार तो कम से कम दूर करने के लिए आगे बढ़ेगी। देखते हैं कि यहाँ इनकी परेशानी दूर होती है कि नहीं होती है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। अपने जनपद से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारी खबरों को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और खबर तहकीकात की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।